हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को इंतजार था कि नदियों का चैप्टर लाया जाए, तो आज हम नदियों में लेके आ गए भैया। तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है भैया, सभी लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें और अपनी राय जरूर दें। आज सबसे पहले हम लेके आए हैं बच्चा पंच प्रयाग। जैसे गंगा नदी जब पढ़ते हैं तो उससे पहले हमको पढ़ना होता पंच प्रयाग। पांच प्रयाग है अपने भारत में, कितने प्रयाग है बच्चा? तो बात किया जाए कितने प्रयाग है, पांच। इसी को हम लोग पढ़ते हैं पंच प्रयाग। कितने प्रयाग है, पांच। इन्हीं को हम लोग पढ़ते हैं पंच प्रयाग। तो हम आपको बता दे रहे हैं ये पांचों के पांचों प्रयाग कहां पर है, उत्तराखंड। तो कहो हमसे बार बार यो ना पूछो कि यो कहां वो कहां, पहले हम बता दें कि पांचों के पांचों प्रयाग कहां हो, ये उत्तराखंड। पांचों के पांचों प्रयाग कहां पर है, उत्तराखंड। कहां पर है, उत्तराखंड, पहले बता दे रहे हैं। और उत्तराखंड के बारे में बात किया जाए, ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। किससे अलग हुआ, यूपी से ही अलग हुआ उत्तराखंड, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश का समुद्री क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का समुद्री क्या पर्वतीय क्षेत्र जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तराखंड बोलते हैं। उत्तर प्रदेश का जो पर्वतीय क्षेत्र होता है उसी को हमने क्या बोल दिया, उत्तराखंड। 9 नवंबर 2000 को ये क्या हो गया था, अलग हो गया था। क्लियर हुआ? तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पंच प्रयाग। पांच प्रयाग है, ये पांच प्रयाग जो है बच्चा पांचों के पांचों कहां होंगे, उत्तराखंड में होंगे। चित्र के माध्यम से हमने बताया, उससे पहले हम थोड़ी सी बात आपको बता रहे हैं। जैसे हमने कहा एक नियम आप याद रखना, नदियों संबंधित एक नियम याद रखना, यदि कोई नदी बहुत गहरी है और बहुत बड़ी है, बहते हुए जा रही है, और इसमें जब कोई दूसरी नदी मिल जाए और दूसरी नदी जो है बच्चा वो क्या हो, कम गहरी हो और पानी भी क्या हो, कम हो, तो जो ज्यादा गहरी होती है नदी उसी का नाम आगे बढ़ता है। उसी का नाम क्या होता है, आगे बढ़ता है। जैसे हमने कहा कि ये मान लो कोई नदी बहते हुए जा रही है, इसमें पानी ज्यादा है और इसमें पानी क्या है, कम है। तो जब कम और ज्यादा वाली नदी मिलती है तो आगे जो नदी बढ़ेगी, इन दोनों के मिलने के बाद जो धारा आगे बढ़ेगी, हमेशा ज्यादा वाली का नाम आगे चलता है। क्लियर हुआ? जिसके पास पानी ज्यादा होता उसी का नाम आगे चलता। दूसरा नियम याद रखना नदियों संबंधित, हमने कहा एक नदी का पानी यह है और एक नदी का पानी यह है, मतलब हमारा दोनों नदियों की गहराई बराबर है और पानी बराबर है, और दोनों नदियां जब आपस में मिल रही है, इसका भी पानी बराबर है, इसका भी पानी बराबर, और ये दोनों नदियां जहां से मिलती हैं, अब यहां पर नाम कोई तीसरा पड़ता है। जैसे इनका नाम राम है, इनका नाम श्याम है, तो इनका नाम क्या होगा, महेश होगा। कहने का मतलब दो समान गहराई की नदियां जब आपस में मिलती है तो नाम तीसरा होता है, और एक ज्यादा है एक कम है तो हमेशा ज्यादा वाली का नाम चलता है, इसका उपयोग होगा आप देखोगे। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आना चाहिए भैया। अब चलते हैं पंच प्रयागों की ओर। तो सबसे पहली एक नदी है जो आपकी देखोगे सतोपत हिमानी से निकलती है। अब ये ना पूछ रहे कहां है, सब उत्तराखंड में, बार बार कह रहा हूं ये पूरी घटना आज की कहां की है, उत्तराखंड। टोपी ओपी उत्तराखंड के हित काट ली ने, ठीक है ना। अब यहां से हम बात करें सतोपत हिमानी, सतोपत हिमानी कहां पर है, उत्तराखंड। और सतोपत हिमानी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। कम से कम चार बार पेपर में यही क्वेश्चन आया है, अलकनंदा नदी कहां से निकलती है, सतोपत हिमानी से। कहां से, सतोपत हिमानी से कौन निकलती है बच्चा, अलकनंदा। नदी का नाम क्या होगा, अलकनंदा। ये वाली जो नदी आ रही बहते हुए लंबी वाली, इसी का नाम क्या है, अलकनंदा। तो अलकनंदा नदी कहां से निकलती है, सतोपत हिमानी से निकलती है। अलकनंदा नदी की गहराई भी ज्यादा है और पानी भी ज्यादा है, इसीलिए हर जगह नाम क्या होगा, अलकनंदा। तो अलकनंदा बहते हुए आ रही थी, इसको रास्ते में आके मिल गई धौली गंगा। क्या नाम है, धौली गंगा। सबसे पहले अलकनंदा से कौन मिली, धौली गंगा। कौन मिली बच्चा, धौली गंगा। तो हमने कहा यहां से, हमने इधर चित्र भी बनाए दे रहा हूं, इधर भी एक चित्र बना रहा हूं, ये हमने कहा अलकनंदा है। और अलकनंदा नदी कहां से आ रही है बच्चा, सतोपत हिमानी से। कहां से आ रही, सतोपत हिमानी से। तो इससे सबसे पहले एक नदी आके मिल गई जिसका नाम क्या है, धौली गंगा। क्या नाम है, धौली गंगा। और धौली गंगा कहां से निकलती है, तो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के पास से निकलती। पूछा जाएगा नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहां है, उत्तराखंड में है, और किस नदी के पास है, धौली गंगा नदी के पास है। कौन सा, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है। इस नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क से एक नदी निकलती जिसका नाम है धौली गंगा, और ये किससे मिल गई, अलकनंदा। तो भैया सबसे पहले अलकनंदा से कौन मिली, धौली गंगा। और जब ये दोनों मिल जाती हैं तो यहां पर एक सबसे पहला प्रयाग बनता है जिसका नाम है विष्णु प्रयाग। क्या नाम है, विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग का निर्माण कौन सी दो नदियां करती है, अलकनंदा और धौली गंगा। अलकनंदा और धौली गंगा। अब हमने कहा अलकनंदा की गहराई ज्यादा है, और अलकनंदा की गहराई ज्यादा है तो पानी भी ज्यादा है, और धौली भैया यहां से देखोगे धौली गंगा के पास पानी कम है, तो इसीलिए जो आगे धारा चलेगी, जो आगे धारा चलेगी उसका भी नाम क्या होगा, अलकनंदा। अभी हमने शुरू में यही तो बताया था, जिसका पानी ज्यादा होगा उसी का नाम चलेगा।
अलकनंदा आगे बढ़ती है, आगे भी अलकनंदा बढ़ती है और इससे आगे एक नदी और मिल जाती है जिसका नाम क्या है, नंदाकिनी। क्या नाम है? नंदाकिनी। क्या नाम है? नंदाकिनी। आगे किससे मिल गई बच्चा? यहां पर नंदाकिनी भी आगे किससे मिल गई? यहां मिल गई अलकनंदा से और इसका नाम हो गया नंदप्रयाग। क्या नाम हो गया? नंदप्रयाग। तो पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग और दूसरा प्रयाग क्या कहलाया? नंदप्रयाग कहलाया। आप देख सकते हो धौली गंगा अलकनंदा जब मिली तो क्या कहलाया? विष्णु प्रयाग कहलाया। नंदाकिनी अलकनंदा जब मिली तो नंदप्रयाग कहलाया। और ये पिंडार है, सुपर टेट में यही क्वेश्चन पूछा गया था। ये कौन सी नदी है? पिंडार है। कौन है? पिंडार है। पिंडार नदी जब अलकनंदा में मिल जाती है तो इसका नाम क्या होता है? कर्णप्रयाग। क्या होता है? कर्णप्रयाग। तो पिंडार और अलकनंदा जब मिल गए तो तीसरा प्रयाग बन गया, इसका नाम क्या होगा? कर्णप्रयाग। क्या नाम होगा? कर्णप्रयाग। पहले प्रयाग का नाम क्या होगा? क्या नाम होगा? विष्णु प्रयाग। दूसरे का नंदप्रयाग, तीसरे का कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग कैसे बना? तो अलकनंदा और पिंडार के मिलने से कर्णप्रयाग बना, नंदाकिनी अलकनंदा के मिलने से नंदप्रयाग बना। देखो नंदा अलकनंदा सब में कॉमन है, अलकनंदा सब में कॉमन है बच्चा। और धौली गंगा और अलकनंदा जब मिल गई तो नाम क्या पड़ा? विष्णु प्रयाग। क्या पड़ा? विष्णु प्रयाग। तो ये सारी घटना कहां है? उत्तराखंड। तो तीन नदियां क्या होती है? ऊपर से आती। तीनों नदियां कहां से आई? ऊपर से आई। अब देखते हैं नीचे से कितनी आ रही। यहां से देखो, देखो यहां से बात किया जाए तो एक नदी आती है जिसका नाम है मंदाकिनी। देखो यहां नंदाकिनी था लेकिन यहां कौन है? मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। तो मंदाकिनी जब अलकनंदा से मिलती है तो यहां पर एक प्रयाग बनता है जिसका नाम है रुद्रप्रयाग। क्या नाम है? रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग आप देख सकते हो, ये केदारनाथ धाम का नाम सुने होंगे। केदारनाथ नाम सुने होंगे आप लोग जाते भी है दर्शन वर्शन करने के लिए, भगवान शंकर के दर्शन करने जाते हैं। तो केदारनाथ के पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। और मंदाकिनी नदी के बारे में बात किया जाए कहां पर मिल रही है बच्चा? यहां पर मिलती है अलकनंदा से और यहां नाम क्या पड़ता है? रुद्रप्रयाग। क्या पड़ता है? रुद्रप्रयाग। यहां पर नाम क्या पड़ जाता है? रुद्रप्रयाग पड़ जाता है। पूछा जाएगा रुद्रप्रयाग का निर्माण कौन करती है? तो मंदाकिनी और अलकनंदा। मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है? रुद्रप्रयाग बनता है। और हमने कहा अंतिम में सबसे एक नदी आती है जिसका नाम है भागीरथी। क्या नाम है? भागीरथी नदी यहां से आती है बच्चा। भागीरथी नदी के बारे में बात किया जाए तो बताते हैं भागीरथी ने क्या किया था? तपस्या किया था अपने पूर्वजों को तारने के लिए और भगवान शंकर की जटाओं से यहीं से नदी निकली थी जिसका नाम क्या है बच्चा? भागीरथी। भागीरथी नदी की बात की जाए तो भागीरथी नदी कहां से आती है? तो आपने नाम सुना होगा गंगोत्री ग्लेशियर। गोमुख पहाड़ी है और गंगोत्री ग्लेशियर यहीं पर है, वहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? भागीरथी। और भागीरथी अलकनंदा जब मिलती है और यहीं से नाम पड़ता है देवप्रयाग। क्या पड़ता है? देवप्रयाग। देखो यहां से कॉन्सेप्ट समझना, कहने का मतलब भागीरथी नदी की गहराई भी क्या है? ज्यादा है, पानी बराबर है। अलकनंदा और भागीरथी दोनों का पानी क्या है? बराबर है। और जब दोनों बराबर नदियां समान पानी वाली नदियां आपस में मिलती है तो नाम बदल जाता है और यहीं से नाम क्या हो जाता है? गंगा। क्या पड़ता है? गंगा। तो पूछा जाएगा गंगा नाम कहां से पड़ा? गंगा कहां से पड़ता है? देवप्रयाग से पड़ता है। देवप्रयाग के बाद जो ये वाली धारा चल रही, ये वाली जो धारा चल रही, इसका नाम क्या होगा? गंगा होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? गंगा होगा। क्या होगा? गंगा। हम लोग छोटे एग्जाम में जरूर ये पढ़ लेते हैं कि गंगा कहां से निकली? गंगोत्री ग्लेशियर से निकली। लेकिन वास्तविकता में गंगोत्री ग्लेशियर से कौन निकलती है? भागीरथी निकलती। कौन निकलती है? भागीरथी निकलती है। समझ में आ रहा है ना भाई? समझ में आ रहा तो कमेंट करके जरूर बताओ बच्चा। अब इसी जगह थोड़ी सी और बातें बताते हैं। बात करें यहां जो भागीरथी नदी बहते हुए जा रही थी, इसी के एक सहायक नदी है भेलांगना। कौन है? भेलांगना नदी है। भागीरथी की सहायक कौन है? भेलांगना। ये सब उत्तराखंड में है, सब उत्तराखंड में है। भागीरथी की सहायक कौन है? भेलांगना। और भेलांगना जब भागीरथी से मिलती है यहीं पर टिहरी बांध है। कौन है? टिहरी बांध। लिख लेना बच्चा, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन है? टिहरी बांध। कौन है? टिहरी बांध है। इससे पहले कौन था? भाखड़ा नागल था। कौन था? भाखड़ा नागल था। लेकिन अब कौन हो गया? टिहरी बांध हो गया। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन हो? बड़ा का मतलब समझ रहे हो ना, ऊंचाई। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन हो जाएगा? टिहरी बांध हो जाएगा। और भारत का सबसे लंबा बांध कौन होगा? हीराकुंड। कौन होगा? हीराकुंड होगा। भारत का सबसे पुराना बांध कौन होगा? दामोदर। कौन होगा? दामोदर। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन हो जाएगा बच्चा? टिहरी बांध। कौन हो जाएगा? टिहरी। अब टिहरी बांध किस राज्य में है? उत्तराखंड। टिहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एग्जाम में पूछा जाएगा।
तो हमने यहां पर नंबरिंग कर दी, एक नंबर प्रयाग, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर। देखो यहां पर लिख भी दिए हैं, साफ साफ लिख दिए, अलकनंदा और धौली गंगा मिलेगी तो कौन सा प्रयाग होगा, विष्णु प्रयाग होगा। अलकनंदा नंदाकिनी मिलेगी तो नंद प्रयाग होगा। अलकनंदा पिंडार मिलेगा तो कर्ण प्रयाग होगा। अलकनंदा मंदाकिनी मिलेगी तो रुद्र प्रयाग होगा। अलकनंदा भागीरथी मिलेगी तो देव प्रयाग होगा। क्या होगा, देव प्रयाग होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब आपसे पूछा जाएगा गंगा का नाम गंगा से कहां पड़ा है भैया, तो देवप्रयाग के बाद नाम क्या पड़ता है, गंगा। आपसे पूछा जाएगा अलकनंदा और धौली गंगा के मिलने से कौन सा प्रयाग बना, विष्णु प्रयाग बना है। अलकनंदा पूछ लिया जाए, अलकनंदा नंदाकिनी के मिलने से नंद प्रयाग, पिंडार अलकनंदा के मिलने से क्या होगा, कर्ण प्रयाग होगा, मंदाकिनी अलकनंदा के मिलने से रुद्र प्रयाग होगा, भागीरथी अलकनंदा के मिलने से देव प्रयाग होगा, और भागीरथी की गहराई अलकनंदा की गहराई बराबर होने के कारण दोनों जब आपस में मिलती है तो नाम तीसरा हो जाता, और तीसरा नाम ही क्या कहलाता, गंगा। क्या कहलाता है, गंगा कहलाता है। वास्तुता में गंगा कहीं से नहीं उद्गम होती है, उद्गम कौन हुई थी, भागीरथी। कौन हुई थी, भागीरथी हुई थी, लेकिन हम लोग साधारण भाषा में पढ़ लेते हैं कि गंगा का उद्गम स्थल क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर। कौन है, गंगोत्री ग्लेशियर। पूरी बात समझ में आई, एक बार हम रफ करके एक बार बता रहे हैं भैया, चित्र बना रहे हैं, आप लोग साथ बोलना हमारे, और इसको भैया अपने नोट्स में लिख लेना, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट भैया ये सेशन है नदियों संबंधित, और इतनी विशेष जानकारी आपको एक साथ मिल रही है ना, सारे एक एक डीप डीप पॉइंट बता दूंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट कर सकते हो। हम बात कर रहा हूं भैया उत्तराखंड में पंचप्रयाग, ठीक। हमने कहा ये मान लो सतोपथ हिमानी, ये सतोपथ हिमानी है। सतोपथ हिमानी में हमने कहा ये नदी का नाम क्या है, अलकनंदा। क्या नाम है, अलकनंदा। क्या नाम है, अलकनंदा। अलकनंदा से पहली नदी कौन मिल रही है, धौली गंगा। कौन है, धौली गंगा। धौली गंगा नदी कहां से निकलती है बताओ भैया, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क। कहां, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क से निकलती है। और दोनों जब मिलती है तो कौन सा प्रयाग होता है, विष्णु प्रयाग। कौन होता है, विष्णु प्रयाग। पहला प्रयाग का नाम क्या होगा, विष्णु प्रयाग। दूसरा हमने कहा यहां कौन है, नंदाकिनी। कौन है, नंदाकिनी। और नंदाकिनी जब अलकनंदा से मिली तो नाम क्या हुआ, नंद प्रयाग हुआ। तीसरी नदी का नाम क्या है, पिंडार। क्या नाम है, पिंडार। पिंडार जब अलकनंदा से मिलती है तो इसका नाम क्या होता है बच्चा, कर्ण प्रयाग। क्या होता है, कर्ण प्रयाग। तीन ऊपर से हो गई। अब यहां से हमने कहा एक नदी आती है जिसका नाम क्या है बच्चा, मंदाकिनी। क्या नाम है, मंदाकिनी। मंदाकिनी जब यहां मिलती है अलकनंदा से तो इसका नाम क्या होता है, रुद्र प्रयाग। क्या होता है, रुद्र प्रयाग। अगला हमने कहा यहां से कौन आ रही, भागीरथी। कौन आ रही है, भागीरथी। और अलकनंदा से मिलती है तो नाम क्या पड़ता है, देव प्रयाग। क्या पड़ता है, देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद ये जो धारा चलती है इसका नाम क्या होता है, गंगा। क्या नाम होता, गंगा। गंगा यहां से आगे बढ़ती है और पहुंच जाती है ऋषिकेश। कहां पहुंचती है, ऋषिकेश। और ऋषिकेश के बाद कहां पहुंचती है, हरिद्वार। कहां पहुंचती है, हरिद्वार। पहले ऋषिकेश, फिर कहां पहुंचती है, हरिद्वार। हना कहां पहुंचती है, हरिद्वार पहुंच जाती। हरिद्वार के बाद गंगा धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती। तो कल के वीडियो में हम कहां पहुंच जाएंगे बच्चा, गंगा के बारे में पढ़ेंगे। कल के वीडियो में गंगा के बारे में पढ़ेंगे। ये पंच प्रयाग थे, ये पांच के पांच प्रयाग हैं। कौन कौन पांच प्रयाग हैं, तो हमने कहा विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। देव प्रयाग के बाद गंगा नाम पड़ता। तो भैया सभी बच्चे आप कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जरूर बताने का प्रयास करें कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। चुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।